तो ये है तुम्हारा घर, आ गई तुम्हारी माँ। शुक्र है भगवान का। तो अब मैं जा रहा हूं। अरे केशव, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है तुमसे, थोड़ी देर तो रुको। अभी तक तो हमने तुमसे बातें भी नहीं की। हाँ केशव, तुमने तो हमारा बनाया हुआ घर भी नहीं देखा अब तक। नहीं नहीं, मैंने दूर से देखा, बहुत सुंदर है। वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ। रुको केशव, आप क्या कर रहे हैं साईं? सफाई कर रहा हूं, बहुत लंबी यात्रा करके आए हो इसलिए थोड़ी सफाई की जरूरत है। मैं लंदन से सीधा यहां नहीं आया हूं, इससे पहले मैं अपने वाड़े में था, वहां से नहा धोकर कपड़े बदल कर आ रहा हूं मैं। वस्त्र बदल लेने से विलायत की धूल नहीं जाएगी। अब मैं चलता हूं। साई, साई, क्या साई, डरा दिया तुमने उसे? साई, तुम ऐसी बातें बोलते क्यों जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती? साई, क्या केशव का बर्ताव बदला बदला सा लगा आपको? कितना अजीब तरह से पेश आ रहा है, ना हमसे बातें की, ना हमारा हालचाल पूछा। हम कैसे हैं, क्या करते हैं,
और तो और ये झोपड़ा, एक झोपड़ा बनाने में उसने हमारी मदद भी नहीं की। अली, वो हमसे इतने साल तक दूर रहा, विलायत में तो उसने नए दोस्त बनाए होंगे, उनके साथ रहने की आदत होगी उसे। अभी अभी शेडी आया है, उसे पहले जैसा बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, है ना साई? अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? तूने सारे कपड़े गिरा दिए। अरे मेरे बेटे की शादी है शाम को, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया। ये देख, दूल्हे के कपड़े, घर वालों के कपड़े, तुम्हारे कारण सब खराब हो गए। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ए, कौन है तू? कहां से आई है? जो नुकसान किया है उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये भरेगी, और कौन भरेगा? चल निकाल, पैसा निकाल। ए, भागती कहाँ है? शांत 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 शांत, डरो मत। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे आप इन पर? क्या किया इन्होंने? चिल्ला नहीं रहा हूँ, इसने मेरा जो नुकसान किया उसका हर्जाना मांग रहा हूँ। पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे, ये नहीं देगी तो इसके घर वाले देंगे। चल चल, बता तेरा घर कहाँ है, चल। कैसी बात कर रहे हैं आप देख नहीं रहे कितनी डरी हुई है ये? आपको शिरडी में पहले कभी नहीं देखा, आप यहाँ किसी से मिलने आई हैं? किससे? ये बोल क्यों नहीं रही है? नाम लेने में इतना समय क्यों लग रहा है इसको? कपड़े तो देखो, इसे खुद का होश नहीं है, लगता है पागल है कोई। देखा, अब नाम भी नहीं बता रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब नाटक कर रही है ताकि नुकसान की भरपाई करने से बच जाए। चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिर मुझे कपड़े तो नए लेने पड़ेंगे ना। अब इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चलिए द्वारका माई। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, साई है ना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। चलिए। देखिए, ये इसकी गलती है। देखिए, शादी के कपड़े बहुत महंगे हैं, देखिए क्या हाल हो गए हैं कपड़ों का। अरे क्या कर रही है?
मुझे दो, मैं लाता हूं पानी। इन्होंने आपके कपड़े गंदे कर दिए थे, लेकिन अब तो धो दिए हैं ना, और वो भी इतने अच्छे तरीके से कि बिल्कुल नए जैसे लग रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन्होंने गलती की है, लेकिन ये धोखे से हो गई। अब आपके कपड़े धो दिए हैं तो अब आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। रुक जाओ, कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू पुनः गांव वालों से मेल जोल बढ़ा रहे हो? अहो, इतने वर्षों के बाद गांव लौटा है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो केशव। हाँ, मैं गांव में ही गया था, चिपरी से मिला, तात्या से मिला, अली से मिला, हीमा से मिला, और यहाँ तक के पिताजी मैं साईं से भी मिला। आप जानते हैं पिताजी, आप बिल्कुल सही थे। उन लोगों से मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वो लोग अभी भी बच्चे ही हैं, उनका बचपना अभी तक गया नहीं है, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, और जिस माहौल में वो लोग जी रहे हैं उससे बाहर निकलने की ना ही कोई उनकी इच्छा है और ना ही उनमें काबिलियत।
और आप जानते हैं पिताजी वो लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? एक आवारा कुत्ते के बच्चे के लिए घर बना रहे थे उस साई के साथ। मैं तो आपका आभारी हूं पिताजी, जो आपने मुझे इस गंदे माहौल से दूर पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया, वरना आज मैं भी उन बच्चों की तरह साई के साथ मिलकर कुत्ते और बिल्लियों का घर बनाते ही रह जाता। हरिओम हरिओम। जीता रे बेटा, तूने तो मेरा मन गदगद कर दिया आज। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई बेटा तेरा ये व्यवहार देख के, और मैं ये जान गया कि तू ही मेरा उत्तराधिकारी है। तूने लंदन में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी पाए हैं। जा हाथ मुंह धो ले और आराम कर। जी पिताजी। हरिओम हरिओम। क्या हुआ केशव, तुम अपने दोस्तों के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे थे? माँ वो मेरे दोस्त थे, है नहीं, और उनसे मिलने के बाद मुझे तो अपने आप पे भी शर्म आने लगी है। उनकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। पिताजी सही थे, उस वक्त शायद मैं ही सच को नहीं पहचान पाया। हो सकता है वो मेरा बचपना हो, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं। सही और गलत की समझ है मुझ में। साईं, ये क्या देख रहे हैं आप? कपड़े तो साफ हो गए, मगर इस मौसम में इन कपड़ों को सूखने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, और मेरे बेटे की शादी में सिर्फ चंद घंटे बचे हैं साईं। अब तो यह तय हो गया है कि मुझे अब नए कपड़े ही खरीदने पड़ेंगे, और इसमें अब खर्चा भी होगा। साईं, इनकी भी बात सही है, परेशानी तो इनकी भी बड़ी है। तुम जल्दी से कुछ करो। साई,
कपड़े मेरे जल जाएंगे साई। अरे जल रहा है ये तो। सबुरी, सबुरी। आपने तो मेरी समस्या दूर कर दी, मेरी परेशानी खत्म कर दी साईं। चलता हूं साईं। हम भी चलते। हाँ साईं, आते हैं। साईं, अब तुम इस औरत की भी मदद कर दो। मुझे नहीं लगता किसे ये भी पता होगा किसे कहाँ जाना है। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? गायब नहीं हुई है, वो देखो वहां बैठी है। गोविंदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा। क्यों? क्योंकि आप अकेले अकेले बाहर चले गए थे, मुझे साथ नहीं ले गए, इसलिए। मैं क्यों लेके जाऊंगा तुम्हें अपने साथ? हाँ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाना बाहर? मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, मुझे अकेले घर से बाहर भेजते ही नहीं है। मामा जी हमेशा मेरे साथ अंता जी और पंता जी को भेजते। उनके साथ जाओ तो वो ना कभी किसी से बात करते ना मुझे करने देते। ये तो तेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। अब आप आ गए हैं तो सब बदल जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आप मामा जी से कहेंगे कि मुझे बाहर जाने दे। मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि वो आपसे बहुत खुश है, वो आपकी हर बात मानेंगे। मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं सबको बता दूंगा धुएं वाली बात। चुप चुप। ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा, लेकिन किसी को बताना नहीं, समझा? ये बच्चा है या मुसीबत? साई, ये शिरडी में किसी से मिलने आई है, पर ना तो इन्हें उनका नाम याद है ना घर। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत दर्द सहा है, बहुत डरी सहमी है, इतनी कि वो नहीं अपना नाम बता पा रही है नहीं अपने रिश्तेदारों का। अब तुम ही बताओ साई, कौन है इनके रिश्तेदार? आ,
जिसका कोई नहीं होता उसका वो मालिक होता है, और वो ही इन्हें भी रास्ता दिखाएगा। साई, अंधेरा होने वाला है, ये कहाँ भटकेंगे? क्या मैं आज की रात इन्हें अपने घर ले जाऊं? शायद ढंग से सोएंगी और खाएंगी तो वो हमें अपने रिश्तेदार वालों के बारे में बता देंगी। हम में से हर इंसान को अपना रास्ता खुद तलाशना होता है, और ये भी हम में से ही तो एक है, इसलिए इसे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। तुम इसे घर नहीं ले जा सकती लक्ष्मी। पर क्यों साई, फिर ये कहाँ जाएंगी? इनके हिफाजत कौन करेगा? मैंने कहा ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वो मालिक होता है, वही इसे रास्ता दिखाएगा, वही इसकी रक्षा करेगा। जाइए, भगवान के घर जाइए, भगवान की शरण में जाइए। मेरे वश में नहीं है। ये क्या है साई? जब तुम्हारे पास एक कुत्ते का पिल्ला आता है तो तुम उसके रहने के लिए, उसके आश्रय के लिए हमें घर बनाने को कहते हो, और जब एक अकेली लाचार औरत आती है तो तुम्हें उसे आश्रय देने के बजाय उसे जाने को क्यों कहा साई? वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी? तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है साई। अगर तुम्हें भगवान के शरण में भेजना ही था तो उस कुत्ते को क्यों नहीं बोला कि वो भगवान के शरण में चले जाए? उस औरत को ही क्यों बोला तुमने? अल्लाह मालिक, कल्याण मस्त। इतने सालों से तो रोज मैं ही मंदिर की सफाई करते आया हूं, तो आज ये मुझसे पहले किसने? सुनिए, क्या आपने मंदिर में साफ सफाई की? क्या आपने खंडोबा की सेवा की? डरिए मत, आपने जो कुछ किया मैं उस बात से गुस्सा नहीं हूं।
कहता हूँ छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। चल। साईं। देखिए कितनी बेरहमी से मारा है मुझे। मैं भी चाहता हूं कि इसे भी दंडित होता हुआ देखूं। अरे घाव तो दिखा दिया साई को, अब अपनी करनी तो बता। हाँ रुक जाओ, रुक जाओ। आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए। आप बुजुर्ग हैं, अपनी बात पहले कहिए। साई, ये मेरे लिए काम करता था, इसे मैंने सब कुछ सिखाया, कारोबार का ज्ञान दिया एक गुरु की तरह, और ये मिली है गुरु दक्षिणा। इतनी बुरी तरह से मारा है कि अंग अंग टूट रहा है, मारकर खून निकाल दिया, ना उम्र का लिहाज किया और ना हमारे इतने सालों के संबंध का। आप आइए मेरे साथ। आपको इनकी हालत नजर आ रही है और मेरी नहीं। ये सच है साईं कि मुझे सारा कारोबार इन्होंने ही सिखाया, और कारोबार के बारे में सीखने के लिए ही तो मैं इनके पास आया था। साईं, मैंने कुछ साल पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इनके साथ काम किया, फिर जब मैं काम सीख गया तो मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। भगवान की दया से शुरू में मुनाफा हुआ, पर इस आदमी से मेरी तरक्की देखी नहीं गई, ये मुझसे जलने लग गया और मेरे कपड़ों की गुणवत्ता के बारे में लोगों के बीच बुरा कहने लगे। हाल ही में मुझे एक शादी के लिए कपड़े बनाने का बहुत बड़ा ठेका मिला साई। मैंने कर्जा लेकर अच्छे से अच्छे कपड़े मंगवाए साई, सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया, और अचानक से जिन्होंने मुझे शादी का ठेका दिया था उन्होंने सौदा तोड़ दिया, और मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे दुकान का कपड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा उन्हें कई लोगों ने बताया है इलाके में। मैं तो कहीं का नहीं रहा साईं, मैं तो कहीं का नहीं रहा। मेरा घर पूरे महंगे महंगे कपड़ों से भरे हैं और अनाज का एक दाना तक नहीं है खिलाने के लिए बच्चों को। सारी जमा पूंजी तो कपड़े में लगा दी मैंने, और मैं उन कपड़ों को वापस भी नहीं लौटा सकता क्योंकि औरतों के कपड़ों में कढ़ाई बुनाई का काम शुरू हो गया है, और मर्दों के कपड़े सिलाई के लिए कारीगर ने काट दिए। मेरे पास तो कारीगरों को देने के लिए पैसे नहीं है साई। साई, मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। बहुत पूछने पर पता चला कि मेरे कपड़ों के बारे में झूठ बोलने वाला इंसान और कोई नहीं, ये है ये। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।